अगर आप 370 को हटाएंगे तो जो आरक्षण अब दिया जा रहा है और जो संभव है और जो कानून अभी लागू हैं उनका क्या होगा? जिस पार्टी के साथ अलगाववादियों के साथ रहा है कांग्रेस, आप सब मिल रहे हैं, कांग्रेस का चाइना का प्रेम भी हम सब जानते हैं, कांग्रेस लीडर्स का पाकिस्तान प्रेम भी हम सब जानते हैं। बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं राजौरी पुंछ इलाके में, लेकिन आप देखिए 70% से ज़्यादा जो है कमी आई है। तो ना तो ये उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी इस पोजीशन में है या उनका ज्यूरिसडिक्शन है कि वो स्टेट को ग्रांट करें स्टेटहुड, यूटी को ग्रांट करें स्टेटहुड या नहीं। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज उनको बताना पड़ेगा कि वो संविधान और आरक्षण जिसकी वो बहुत बात करते हैं उसको लेकर कहाँ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो साफ तौर से पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करता है, 370 को हटाने की बात करता है, तो क्या वो उनसे सारे हकूक छीनेंगे? क्या वो फिर से कहेंगे वाल्मीकि भाइयों को कि आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नौकरियाँ नहीं मिलनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए? इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर भी काफ़ी सवाल जो है पार्टी ने उठाए कि इंजीनियर रशीद जो है इसको बीजेपी ने छुड़ाया है, ये बीजेपी का एजेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TRK न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर, और आज हमारे साथ एक खसूसी मेहमान हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। शाज़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TRK न्यूज़ में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे कुछ चंद सवालात रहेंगे आपके। तो जैसा कि आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ मैनिफेस्टो था जिसमें उन्होंने बात की थी कि 370 वापस आएगा और हम स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करेंगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बाकायदा इसका ऐलान हो गया है कि सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पर ये यूटी बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी फैसले लेने थे और देखना था कि सारी जो स्थिति है, हालात हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हों। स्टेटहुड का फैसला ऑलरेडी हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने इसको कई बार दोहराया भी है, तो सब जानते हैं इस बात को। तो ना तो ये उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी इस पोजीशन में है या उनका ज्यूरिसडिक्शन है कि वो स्टेट को ग्रांट करें स्टेटहुड, यूटी को ग्रांट करें स्टेटहुड या लें। वहीं हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक एहतियात बनाया इंडिया ब्लॉक को लेके कि हम चुनाव जो है गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ेंगे, तो आप इसको किस तरह, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से देखती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज उनको बताना पड़ेगा कि वो संविधान और आरक्षण जिसकी वो बहुत बात करते हैं उसको लेकर कहाँ खड़े हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो साफ तौर से पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करता है, 370 को हटाने की बात करता है। अगर आप 370 को हटाएंगे तो जो आरक्षण अब दिया जा रहा है और जो संभव है और जो कानून अभी लागू हैं उनका क्या होगा, और क्या वाकई में राहुल गांधी जो हमेशा आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को अब आरक्षण मिलेगा और मिल रहा है, चाहे वो और उनको डोमिसाइल मिल रहा है और लीगल उनकी जो है मान्यता बढ़ी है और उनको इक्वल सिटीजन्स माना जा रहा है स्टेट सब्जेक्ट्स के तौर पर, जो पहले होता था उनके साथ नाइंसाफ़ी, तो क्या वो उनसे सारे हकूक छीनेंगे? क्या वो फिर से कहेंगे वाल्मीकि भाइयों को कि आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नौकरियाँ नहीं मिलनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए? क्या वो कहेंगे गोरखा समाज से, पहाड़ी समाज से और बकरवाल समाज से कि आपकी बस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और जो आरक्षण और जो रिजर्वेशंस के आप हकदार हैं और इज्जत के, वो आपको नहीं दी जाएगी? तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी सवाल है जिनका जवाब देना पड़ेगा। संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, एक बुनियादी सवाल हमारे देश के परचम को लेकर, नेशनल फ्लैग को लेकर। वहीं हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मैनिफेस्टो में एक वहाँ पे लिखा था कि जो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवाल और पहाड़ी समाज को दी है, अगर हम गवर्नमेंट हमारी आ जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसको हम जो है रिवाइल करेंगे, यानी उसको कम करके जो है उसको कम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि साफ तौर से जाहिर है, एक तो सबसे बड़ा सवाल है अगर ऐसा होगा, पर ये बात, ये जो सवाल है ये तो आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि एक तरफ तो आप रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों का जो हमेशा वंचित रहे हैं, अब आप उसी रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हैं और कम करने की बात कर रहे हैं और उस पार्टी के साथ रहे हैं, तो भाई जिस पार्टी के साथ अलगाववादियों के साथ रहा है कांग्रेस, आप सब मिल रहे हैं, कांग्रेस का चाइना का प्रेम भी हम सब जानते हैं, कांग्रेस लीडर्स का पाकिस्तान प्रेम भी हम सब जानते हैं, जो कुछ रहा है इन दो पार्टियों के बीच में शेख अब्दुल्ला जी के वक्त से अब तक
वो भी सब जानते हैं। तो मुझे लगता है ये सवालों का जवाब उन्हें सिर्फ कश्मीर और जम्मू में नहीं बल्कि पूरे देश में देना पड़ेगा। जी जी, वहीं हमने देखा इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर भी काफ़ी सवाल जो है पार्टियों ने उठाए कि इंजीनियर रशीद जो है इसको बीजेपी ने छुड़ाया है, ये बीजेपी का एजेंट है, तो आप इसको किस तरह से देखिए। जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं और कहते हैं देखिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये पार्टियां क्या कहती हैं कि भाई तो कोर्ट्स ने कहा था, कोर्ट्स ने कहा था इसलिए इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भाजपा थोड़ी ना करा रही है। वैसे ही जब कोर्ट्स रिहाई करते हैं और इंटरिम जमानत देते हैं तब आप भाजपा पर दोष मढ़ते हैं। तो जब आपके लिए सुविधाजनक होता है और कन्वीनियंट होता है आप भाजपा को ब्लेम कर देते हैं, जब आपको भाजपा पर दोष मढ़ना होता है आप कोर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये तो बहुत बुनियादी सा तर्क है, तो इसमें कोई अगर मगर का तो खेल है ही नहीं। या तो ये सही है या तो वो सही है, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। अगर आपके फ़ायदे में कोई बात हो रही है तो वो कोर्ट्स के लिए आप शुक्रिया अदा करेंगे, अगर आपके नुकसान में हो रही है कोई बात तो आप भाजपा को दोष मुड़ेंगे। जी जी, वहीं हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी स्ट्रांग है कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है हमारी पकड़ लगातार बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। हमने पूरा एक नया आगाज़ आप देखिए, शुरुआत जो है एक नए दौर की है ये, और जब से और आप देख रहे हैं इसके असरात, वो असरात हर एक कश्मीरी बाशिंदा महसूस कर रहा है या कर रही हैं। आप देखिए बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर, आप देखिए पत्थरबाजी पूरी तरह से ख़त्म है, आप देखिए दहशतगर्दी, हालांकि बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं राजौरी पुंछ इलाके में, लेकिन आप देखिए 70% से ज़्यादा जो है कमी आई है। तो मुझे लगता है अमन बहाली हुई है, और देखिए जान है तो जहान है, तो उसको लेकर एक आम, मैंने कई लोगों से बात भी की तो वो डरते हैं कुछ भाजपा की तारीफ करने में, लेकिन इस बात को ज़रूर कहते हैं कि बहुत फ़र्क आया है हमारी ज़िंदगी में। मतलब बच्चे जो थे स्कूल नहीं जा सकते थे, देखिए जो थोड़े अमीर थे वो तो बाहर भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हड़तालें, स्ट्राइक्स, डर, दहशत और वहशत। जी जी, वहीं हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जे एंड के अरविंद रैना जी, उनका नारा था कि अब की बार 50 पार, आपको लगता है इस बार 50 पार होगी? बिल्कुल, मुझे लगता है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी जीत दर्ज होगी, हमारी ही सरकार बनेगी, और लोग अपनी बेहतरी चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि 3 खानदानों का फ़ायदा हो, लोग चाहते हैं उनके खुद के ख़ानदान का फ़ायदा हो। तो पहली बार कोई लोगों की और उनके वालदेन की अहलो याल की फ़िक्र कर रहा है बजाय कि भी अपनी फ़िक्र करें। जो 3 पार्टियों को हम देख रहे हैं उनकी 3 से 4 बल्कि पुश्तें अगर आप देखेंगे तो वही रही हैं सत्ता। जी, मेरा एक और सवाल है नौजवानों के मुद्दे को लेकर, है ना, बेरोज़गारी जो है वो दिन से दिन जो है ग्रो हो रही है कश्मीर जे एंड के, मतलब खासकर नौजवानों की बात करूँगा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है जम्मू कश्मीर में तो कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए आप मैनिफेस्टो हमारा देखिए तो 500,000 नई नौकरियों की बात है, किस तरह से वो दी जाएंगी उसकी भी बात है, जो नौजवान हैं उनके लिए कोचिंग को लेकर 20,000 रुपये ताकि वो सर्विसेज में आए उसकी बात है। जहाँ तक बात है, आप देखिए चाहे वो एम्स हो या IIT हो या फिर IIM हो, ये सब खुले हैं, तो और उसको और बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं। अब 25,00,000 सैलानी आए, टूरिस्ट आए, तो उससे फ़ायदा हुआ, चाहे होटल इंडस्ट्री हो और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, लेकिन उसको और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। वो तो तभी मुमकिन है जब अमन हो, और अमन तो एक ही पार्टी दिला सकती है, वो है हमारी पार्टी। बाकी लोग तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान को बढ़ावा दिया जाए, और अब लोग भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान से क्या मिलने वाला है, पाकिस्तान की हालत देखिए आप। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत बदल गई हैं जियोपॉलिटिकली भी, तो आप आम लोग भी समझ रहे हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं है, ये पूरा जो खेल है इसमें कुछ दम नहीं रहा है। यह थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया जी। मजीद अपडेट के लिए जुड़िए रही है TRK न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।